पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने दोहान नदी में आए पानी का जायजा लेते हुए कहा कि भाजपा शासनकाल में किसानों को पानी की समस्या से निजात मिली है। उनके मंत्री समय के कार्यकाल में सीमा माइनर से डेरोली से लेकर बसई तक 3.50 करोड़ की लागत से कच्चे नाले के निर्माण का शुभारंभ किया गया था, जिसमें समय समय नहर का अतिरिक्त पानी चलता है। महेंद्रगढ़ जिले को भरपूर मात्रा में नहरी पानी मिला है, तो साथ लगते राजस्थान में भी इसका फायदा हुआ है। महेंद्रगढ़ अटेली रोड पर हम चामदेड़ा, जासास, भांडोर, चीतलांग, देवास इन गांवों के बीच में खड़े। श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमने 2018 में ये दोहान नदी पिछले 45 साल से ये हमारी जीवन रेखा थी, पर राजस्थान में जहां से ये नदी आती थी वहां बांध बना लिए और 45 साल से ये दोहान नदी नहीं आई। 2018 में हमने योजना बनाई और दोहान नदी का जो बेड है, दोहान नदी का जो रास्ता है, उसमें हमने 3.5 करोड़ रुपया लगा के और पानी के लिए चैनल बनाया। कैथल जिले के उपमंडल कलायत में लगभग 400 एकड़ खेतों में लबालब पानी भर चुका है और फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। खेतों के अंदर जाने के रास्ते टूट चुके हैं। गांव के लोगों का कहना है कि समय रहते अगर ड्रेन की सफाई करवा दी जाती तो पानी ठीक ठाक निकल जाता। आज इतना पानी भर गया है और पुलिया भी टूट चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ लोग खेतों तक जाने के लिए दूभर हो चुके हैं। समस्या हमारी ये पानी की समस्या बहुत ज्यादा है जी। एक हफ्ते से हमारे खेतों में पानी भर है जी। आगे कोड़े खास आगे कोई पानी निकासी नहीं है जी। सब पानी खेतों के उधर उधर चल रहे जी। जीरी बचने कोई सार नहीं है जी। किसका विधानसभा क्षेत्र है, कौन आता कोई ये तो जी कलायत में जात कलेश डांडा जी। आया कोई पता नहीं, कोई नहीं आया जी। तो प्रशासन आवा चलिया जावा जी, कोड़े खास आगे जानते नहीं जी, उरे लगावा भगत जी जी, कोई हल नहीं लगता हमने जी। सावन के दूसरे सोमवार को रेवाड़ी शहर के घंटेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही भक्त बड़ी संख्या में मंदिरों में पहुंच रहे हैं और दूध और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार है, मंदिरों में भगवान शंकर के भक्तों की काफी भीड़ है और सभी लोग पूजा करके अपनी मनोकामना भगवान शंकर के सामने रख रहे हैं। भगवान शंकर सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। शिवरात्रि 26 की मनाई जा रही है और अनेक कांवड़िया कांवड़ लेकर के भगवान शंकर पर गंगा जल चढ़ा रहे, रुद्राभिषेक कर रहे हैं और भगवान परम पिता परमात्मा नारायण की अचिन कृपा से भगवान शंकर सभी संसार का भला करेंगे, सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे। वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्रों में 16 चीज़ों से भगवान की पूजा की जाती है, परंतु भगवान शंकर की पूजा आदमी हर आदमी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार बेलपत्र इत्यादि बेल धतूरा फूल फल सब चीज़ों से कर रहा है। भगवान शंकर जैसी जिसकी जो पूजा है उसी पूजा से प्रसन्न होकर उसको मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि वो दादरी अलवर रेलवे लाइन को महेंद्रगढ़ और नारनौल से होकर ले जाने के लिए सर्वे को दोबारा करवाने की मांग रेलवे मंत्री से मिलकर उनके सामने रखेंगे। संज्ञान में बात आई है और 26 को साध्वी रितंबरा जी राठीवास देवराली मंदिर पर आ रही है। हम उस कार्यक्रम से फारिग होते ही भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मिलेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है, पहला जो सर्वे 10 साल पहले हुआ था उसमें नारनौल महेंद्रगढ़ दादरी ये सर्वे था और हम रेलवे मंत्री से मिलकर के महेंद्रगढ़ नारनौल को इसके साथ जोड़ेंगे। दादरी से अलवर ये सीधा रास्ता भी है और ये पहले सर्वे भी हुआ है, किसी टेक्निकल कारणों से या किसी अधिकारी की शरारत से ऐसा हुआ है और हम इसको महेंद्रगढ़ नारनौल से जरूर जुड़वाएं। सावन महीने के दूसरे सोमवार को पलवल के प्राचीन जंगेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही मंदिर प्रांगण हर हर महादेव और बम बम बोले के जय घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने दूध दही जल व अन्य सामग्री शिवलिंग पर अर्पित की। बुधवार शुरू हो जाएगा जल अभिषेक, बड़ी ध्यान बड़ी सुरक्षा
पुलिस वालों से भी कहा है कि कावर वालों के लिए भी कावर की व्यवस्था की है, कावर टाँकने के लिए भी साफ सफाई भी चल रही है, कोई ऐसे इनका ना हो हमेश्वर महादेव मंदिर में कांवरिया का स्वागत है। आज सावन का दूसरा सोमवार है, किस तरह की भीड़ है भक्तों की? सुबह से ही 4 बजे से भीड़ चल रही है और भीड़ बहुत है, पब्लिक खड़ी है और भक्त उनके पीछे खड़े हैं, फिर उनके पीछे खड़े हैं, हम भी पब्लिक से कह रहे हैं भाई जल्दी जल्दी करो और भी भक्त आपके पीछे खड़े हैं, उनको भी मौका दो जल्द। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।